Assalamualaikum. This is Isha Wasim. Welcome to my channel. Life is full of challenges. ऐसे ही आज मैंने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया है केक बनाने का. स्टडी तो होती रहती है लेकिन आज मैंने सोचा है कि मैं आप लोग के साथ केक की रेसिपी शेयर करूँ. So let's start the video. To make chocolate cake, first of all मैं आप लोग को इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी. सबसे पहले मैंने मोल्ड को बटर पेपर लगा के और इसे ग्रीस कर लिया है. Now we have 1 cup flour, 1 cup milk and 1 half cup sugar. Sugar और flour की क्वांटिटी सेम होती है लेकिन हमारे यहाँ sugar की इसका इस्तेमाल कम होता है इसलिए मैं sugar 1/2 cup ली है. And 1/2 cup refined oil, 2 teaspoon baking powder, 2 tablespoon cocoa powder and 1 teaspoon chocolate essence. And we have 4 eggs. चॉकलेट केक बनाना शुरू करते हैं. हमारे पास 4 eggs है, हम इसे जूसर में डालेंगे और इसे एग को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे ताकि एग का कलर चेंज हो जाए. एग का कलर चेंज हो चुका है, अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे. अच्छा कलर आ चुका है, अब हम इसमें कोको पाउडर ऐड करेंगे. अच्छी तरीके से ब्लेंड होनी चाहिए, जितने अच्छे शुगर ब्लेंड होगी उतना अच्छा हमारा केक बनेगा. बैटर हमने बाउल में डाल दिया है और हमने फ्लोर और बेकिंग पाउडर को छान के रख दिया था. अब स्लोली स्लोली इस बैटर में डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे. मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी. अब हम इस बैटर को मोल्ड में डालेंगे. चीला मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए. इसके अंदर मैंने स्टैंड रखा है और अब हम इस मोल्ड को इस पैन के अंदर रख देंगे. हमने इस पतीली में रख दिया है और अब हम 50 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखेंगे. केक चेक करते हैं. ये देखिए हमारा केक बिल्कुल अच्छी तरीके से बेक हो चुका है. हमारी नाइफ बिल्कुल क्लीन है. केक बेक हो रहा था तब तक मैंने चॉकलेट बनाई है. ये चॉकलेट मैंने कोको पाउडर, मिल्क, शुगर एंड बटर से बनाई है. चलिए अब हम इसका बटर पेपर उतारते हैं और इसको अब हम नाइफ से कट करेंगे. मैंने 3 पार्टीशन में कट कर लिया है. अब हम इसको ठंडा करके सेट करते हैं. फर्स्ट लेयर पे चॉकलेट अप्लाई की है, अब हम सेकंड लेयर पे चॉकलेट अप्लाई करेंगे. पहले शुगर सिरप अप्लाई करें. अब जस्ट हम जैसे ब्रेड पे जैम लगाते हैं, पूरे केक पे चॉकलेट लगा के हम थर्ड लेयर लगाएंगे. मैंने केक को 10 से 15 मिनट फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए. अब हम केक में गार्निशिंग करेंगे. अब हम इसमें क्रश किए हुए नट्स डालेंगे और ये हमारा केक रेडी हो चुका है. ये हमारा केक कितना सॉफ्ट और जूसी लग रहा है. यम्मी. उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.